डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th में जो अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं उसमें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो जो टॉपिक्स हम लोग पिछले क्लास में दिए हुए हैं वही टॉपिक्स रखना है। टॉपिक्स का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। चलिए, आखिर ये क्या है? प्रिज्म के तो बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि प्रिज्म क्या है। अब ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, क्या होता है, तो इनको समझने के लिए फर्स्ट एरो दिया जाए, पहले लिखेंगे फिर हम लोग समझेंगे। फर्स्ट एरो में लिखकर लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश, श्वेत श्वेत का मतलब उजला, व्हाइट ना, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो श्वेत प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण सात अवयवी रंगों, सात अवयवी रंगों, सात अवयवी रंगों में बंट जाते हैं, सात अवयवी रंगों में बंट जाते हैं, कौमा, इस क्रिया को, इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, अब आखिर क्या होता है श्वेत प्रकाश, और ये अवयवी रंग में बट जाते हैं सात कलर में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लिया कि कोई एक श्वेत प्रकाश अगर सात अलग अलग रंग में बट जाता है तब उस बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया है जिस पट्टी पर प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब ये स्पेक्ट्रम आपको समझ नहीं आएगा, पहले आप लिखते चलिए फिर हम समझा देते हैं। सेकेंड एरो में लिखा जाए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिस पट्टी पर प्राप्त किया जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिस पट्टी पर प्राप्त किया जाता है, जिस पट्टी पर प्राप्त किया जाता है वह स्पेक्ट्रम कहलाता है, वह स्पेक्ट्रम कहलाता है, वह स्पेक्ट्रम कहलाता है, वह स्पेक्ट्रम कहलाता है। चलिए, अब रहा बात कि स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे, तो वर्ण विक्षेपण जो है जिस पट्टी पर प्राप्त किया जाता है उसको नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर कोई श्वेत प्रकाश, ठीक है, अगर कोई श्वेत प्रकाश सात अलग अलग रंगों में बंट जाती है तब उसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। यानी कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण को और सात रंगों में बट जाता है, सात रंग में बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन वर्ण विक्षेपण को एक पट्टी पर प्राप्त किया जाता है उसी पट्टी को वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष जो बनता है उसमें आप सुने होंगे ना कि सात रंग होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सात रंग होते हैं। और कौन कौन सा रंग होता है?
आपको याद दिला देते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरीके से 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं याद रखिएगा, 7 रंग होते हैं। इसको शॉर्ट में बैजानी ह पी नाला बोलते हैं, बैजानी ह पी नाला, बैजानी ह पी नाला। अब ये बैजानी ह पी नाला क्या है दिखाते हैं। बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। इसलिए पूरा याद रखिएगा, बैजानी ह पी नाला। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में इसको शॉर्ट में भीव गयोर बोलते हैं, भीव गयोर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो सुन लीजिए, ऐसे हम लिखवाएंगे। भीव गयोर जो है इंग्लिश में बोलते हैं। भी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट का हिंदी होता है बैगनी, ठीक है। फिर आई मतलब होता है इंग्लिश इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है जामुनी, ठीक है। और बी, बी मतलब होता है ब्लू, और ब्लू मतलब हुआ नीला, ठीक है। जी मतलब क्या हुआ, जी मतलब हुआ ग्रीन, और ग्रीन कलर का मतलब हरा रंग। और वाई का मतलब एलो, और एलो मतलब पीला, ठीक है। और ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल। इसलिए याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको भीब गयोर बोलते हैं 7ों रंग को, और हिंदी में बैजानी ह पिनाला कहते हैं, ठीक है। तो बैजानी ह पिनाला इज अ हिंदी लैंग्वेज, और भीव गयोर इंग्लिश। भी का वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आपको पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो 7 रंग होते हैं वो वर्ण विक्षेपण पर ही आधारित होता है, ठीक है। यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है किसके कारण बनता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। क्योंकि वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं, जब एक किरण या एक श्वेत प्रकाश 7 अलग-अलग रंगों में बट जाता है, तब इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसको तो हम समझा दिए, समझ लीजिए, फिर थर्ड एरो लिखेंगे। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर इसका क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले एक प्रिज्म लिया जाता है, ध्यान दीजिए, प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं और 4 आयताकार सतह होते हैं। ये हम आपको पढ़ाए हैं पहले, ये हम लोगों को प्रिज्म है। यहाँ पे डबल ट्रिपल लाइन नहीं देना है, एक ही लाइन देना है, ठीक है। सबसे पहले एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, ये क्या हुआ हम लोगों को, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुड़ते गया, यहाँ पे मुड़ा, यहाँ पे मुड़ा, यहाँ पे मुड़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, होने लगा कि ये जो किरणें यहाँ से मुड़ी और फिर इस सतह से निकलने के लिए भी मुड़ने लगी, यहाँ से ये मुड़ गई, फिर यहाँ से ये मुड़ गई, 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 और यहाँ से ये मुड़ गई। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, एक और बनाते हैं क्योंकि 7 रंग चाहिए हमको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है,
इस तरीके से आपको जो है टोटल 7 रंग प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, नीचे से होता है भी मतलब वायलेट यानी कि बैगनी, ठीक है। फिर आई होता है, आई मतलब जामुनी, ठीक है। फिर होता है बी मतलब नीला, फिर होता है जी मतलब हरा, वाई मतलब पीला, ओ मतलब नारंगी, और सबसे ऊपर होता है लाल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो रंग है एक पट्टी पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि एक पर्दा लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस पर्दा पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, तो इस पर्दा को ही हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम कहते हैं या फिर वर्णपट कहते हैं। वर्ण माने रंग, रंग का पट्टी है ना। तो याद रखिएगा कि जब प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो 7 अलग-अलग रंग में बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन ये वर्ण विक्षेपण जिस पट्टी पर प्राप्त किया जाता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, और इस फिगर को भी आप बना लीजिएगा। इसको शॉर्ट नेम होता है बैजानी हपिनाला, 7 रंग का याद रखिएगा। और सबसे नीचे होता है बैगनी और सबसे ऊपर होता है लाल, ठीक है। तो ये बात आप जो है याद रखिएगा। इंद्रधनुष भी जो बनता है वर्ण विक्षेपण पर ही आधारित होता है, क्योंकि उसमें 7 अलग-अलग रंग में बट जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो 7 अलग-अलग रंग में बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण, लेकिन वह वर्ण विक्षेपण जिस पट्टी पर प्राप्त किया जाता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस फिगर को आप जरूर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा जाए नेक्स्ट। न्यूटन के अनुसार नेक्स्ट एरो में लिखेंगे, फिगर के नीचे नेक्स्ट एरो में, न्यूटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। 7 रंगों से मिलकर बना है, बिल्कुल। अब हम लोगों को जो सूर्य में प्रकाश होती है वो बिल्कुल 7 रंग होती है, याद रखिएगा। भीव गयोर यानी कि बैजानी है पिनाला, और बेजानी है पिनाला में जितने भी रंग हो गए ना, उतने रंग में सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य जो होता है, तरंग धैर्य वो लाल का होता है, याद रखिएगा। अब तरंग धैर्य का मतलब कौन सी है? तरंग धैर्य का मतलब हुआ कि दूर से भी जो है आपको लाल दिख जाएगा, ठीक है। यानी कि लाइन में जो है लाइट जो है ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इसका तरंग धैर्य जो है ज़्यादा होता है। इसीलिए ना खतरा के रूप में भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन वगैरह में देखते हैं लाल रंग का महत्वपूर्ण है कि खतरे का प्रतीक, क्योंकि लाल जो है बहुत दूर से दिख जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जितने भी रंग होते हैं 7 रंग, उसमें किस रंग का तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा लाल का, ठीक है। और किसका सबसे कम होता है? तो सबसे नीचे वाला का, यानी कि बैगनी का तरंग धैर्य सबसे कम होता है। और किस रंग का तरंग धैर्य का मतलब ज़्यादा चमकीला, ज़्यादा दूर से नज़र आने वाला रंग, वो है लाल। तो इस बात को भी लिखिएगा कि लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। तरंग धैर्य लिखने आएगा ना, तरंग धैर्य, लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है। बैगनी का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, ये हो गया। चलिए फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म बूंदों द्वारा
सूर्य के प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। सूर्य के कारण परिक्षेप, सूर्य में प्रकाश, सूर्य में के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो सबसे पहले वर्षा का, जो जलों का बूंद होता है, वर्षा का जो बूंद होता है ना, वह एक प्रिज्म का काम करने लगता है। याद रखिएगा कि जो इंद्रधनुष बनता है वो किसके वजह से बनता है? तो वर्षा का जो बूंद होते हैं वायुमंडल में, वह काम करने लगता है प्रिज्म का, और उस प्रिज्म से जो सनलाइट निकलता है उसको 7 रंग में बांट दिया जाता है, तो उसको इंद्रधनुष कहते हैं। वो 7 रंगों में अलग अलग कलर में दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंद्रधनुष जो जो बनता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, यानी कि सूर्य अगर पूरब में है तो इंद्रधनुष जो है उल्टा बनेगा, पश्चिम में, क्योंकि देख रहे हैं ना, श्वेत प्रकाश इधर है तो हम लोग को इधर 7 रंग दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि इंद्रधनुष जो होता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, तो इसको भी लिख लिया जाए। नेक्स्ट आरो देखकर, इंद्रधनुष सदैव, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो इंद्रधनुष बनता है वो हमेशा सूर्य का क्या होता है? विपरीत दिशा में बनता है। जिधर सूर्य है उधर नहीं बनता है, उसके उल्टा। जैसे मान लिया सूर्य यहाँ है तो इंद्रधनुष यहाँ बनेगा, सूर्य यहाँ है तो इधर बनेगा या इधर बनेगा, मतलब उसके विपरीत दिशा में बनेगा। तो ये था हम लोगों को वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम। दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम क्या है ना, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किसका कम होता है। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।